नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में ज़्यादातर किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हर्बिसाइड यूपीएल कंपनी के बेस्ता व सोयल कंपनी के संदेश नामक दोनों खरपतवारनाशी दवाओं के बारे में बात करेंगे, जो गेहूँ की फसल बिना नुकसान पहुँचाए उनमें उगने वाले गेहूं के मामा यानी गुल्ली डंडा समेत 10 प्रकार के सकड़ी व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों यानी चारों को नष्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व पास में बने घंटे के निशान में दबाकर वहां पर आल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, अगर यूपीएल बेस्ता व सोयल के संदेश दोनों के अंदर पाए जाने वाले टेक्निकल यानी रसायन की बात करें तो इन दोनों के अंदर क्लोडिनाफोस प्रोपार्जिल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 1% पाया जाता है। दोस्तों, अगर इनके द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले चारे यानी खरपतवारों की बात करें तो उनमें पहले रिसमाइनर यानी गुल्ली डंडा, एवेना फेटेवा यानी जंगली जई, रंग बिरंगे फूलों युक्त छोटी छोटी पत्तियों वाली कृष्णनील, पापड़ा यानी चितपापड़ा, बथुआ यानी चाकवात, छोटी छोटी पत्तियों युक्त चट्टी, गेंगला यानी बेच, रूमेक्स यानी चूक, मटर की तरह हूबहु दिखने वाला लेथायरेस यानी जंगली मटर, हिरर खुरी यानी चैनवेल, जंगली हेलन यानी कोरोनोपासी या चितपापड़ा आदि सकड़ी व चौड़ी पत्ती के चारों को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों के स्प्रे की डोज के बारे में तो 160 ग्राम दवाई इसके साथ में कुछ मात्रा में चिपको यानी स्पेंडर या गोंद फ्री आता है, जो एक एकड़ गेहूं की फसल में चारों को मारने के लिए पर्याप्त है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इनके स्प्रे के समय उचित समय के बारे में तो उचित नमी की अवस्था में एक महीने के करीब फसल हो जाए व खरपतवारों का आकार 2 से 3 पत्ती का हो तब स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी से संबंधित व किसानों से संबंधित जानकारी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँच सके।